नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भोग खिचड़ी। इसके लिए हमें चाहिए छोटे साइज का चावल और मूंग दाल। चावल और दाल दोनों को इक्वल पोर्शंस में ले लें। एक बड़ा भगोना चूल्हे पे चढ़ाएं और उसमें एक बड़ा चम्मच घी डालें। इसमें एक छोटा चम्मच जीरे का फोरन, कुछ मखाने और तेज पत्र डालें और इसमें 10 से 12 हरी मिर्च डालें। उसके साथ ही अपने पसंद की सब्जियां जैसे कद्दू, गाजर, बैंगन, बीन्स या जो भी आपके पसंद की सब्जियां हैं वो डाल के लो फ्लेम पे पकाएं। इसके साथ ही स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डालें और कुछ मसाले जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर डालें। इसको लो फ्लेम पे कुछ मिनट के लिए पका लें। साथ ही ग्रेटेड अदरक डालें और थोड़ा भून लें। इसके साथ ही हमने जो धो करके दाल और चावल रखे थे उसको डाल के थोड़ा पकाएं। फिर चावल, दाल और सब्जियों के हिसाब से पानी डाल दें। फिर हम थोड़ा पकने के बाद इसमें धनिया के पत्ते और गरम मसाला डालेंगे। थोड़ी देर पकने के बाद आपकी भोग वाली खिचड़ी रेडी है। इसका भोग लगाएं। हमने मिट्टी के बर्तन में इसको निकाल लिया है और सबसे लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो कि देसी घी आप ऊपर से ज़रूर